वेलकम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाय शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं वन प्लस नाइन के बारे में। तो वन प्लस जो है वो मार्च के अंदर चार प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज कर रहा है, और क्योंकि फरवरी जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने ही वाला है, मार्च जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होने ही वाला है, तो अपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इसके पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, मतलब मेरा ग्राफ देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बिना सब्सक्राइब करें निकल जाते हैं, उसकी वजह से मैं जो भी वीडियोज़ डालता हूँ उस पर काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो जैसे कि मैंने बताया कि चार प्रोडक्ट्स जो है रिलीज होने वाले हैं वन प्लस के मार्च के अंदर। एक जो है आपकी वन प्लस वॉच रहेगी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो जो है बना चुका हूं। एक आपकी वन प्लस नाइन रहेगा, एक आपका वन प्लस नाइन प्रो, जिसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। पूरा का पूरा फोन जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है, हैसलब्लैड के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, काफी ज्यादा भयंकर वाले कैमरास आने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उसके लिए। लेकिन जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है वन प्लस नाइन आर। तो ये वाला फोन जो है काफी ज्यादा टाइम से लीक्स और रूमर्स के अंदर चल रहा था। कभी ये वाला फोन जो है वन प्लस नाइन ई के नाम से आता था, कभी वाला फोन जो है वन प्लस नाइन लाइट के नाम से आता था, लेकिन अब जाके इसका नाम जो है वो थोड़ा सा कंफर्म हो चुका है, थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो चुका है। तो वन प्लस नाइन आर के स्पेसिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड जितने ही रहेंगे, उससे बस हल्का फुल्का ऊपर रहेगा। उसके बाद आपका वन प्लस नाइन आएगा, फिर वन प्लस नाइन प्रो रहेगा सबका बाप। यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो 6.5 इंच की 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आएगी। अक्सर जो है वन प्लस के जो जितने फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं उन सब के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये वाला फोन जो है वो थोड़ा सा लो बजट के अंदर रहने वाला है। आपके टॉप वन प्लस नाइन और वन प्लस नाइन प्रो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ये वाला केस नहीं है। आपको वन प्लस नाइन आर के अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन का 690 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि वापस से थोड़ा सा मिड रेंज के अंदर आता है। इसके साथ साथ आपको 128 GB की स्टोरेज, 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और एटलीस्ट 30 W फास्ट चार्जिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। और इसकी प्राइस जो है वो लगभग 21,000 से 25,000 के बीच में ही बैठेगी, मतलब वन प्लस नॉट जितनी ही ज्यादा महंगा जो है वाला स्मार्टफोन नहीं जाएगा। जैसे कि इसके स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ज्यादातर स्नैपड्रैगन 690 वाले स्मार्टफोन जो है वो इतनी ही रेंज के अंदर अवेलेबल हैं अभी इस वक्त। तो इससे ज्यादा अगर वन प्लस इस वाले फोन की प्राइस को रखता है तो वो जो है नुकसान में ही जाएगा, राइवलरी जो है वो खत्म हो जाएगी। अक्सर वन प्लस जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ही ऑफर करता है, तो मुझे लगता है कि यही वाली प्राइस रेंज जो है इस वाले स्मार्टफोन की रहेगी। अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करूं जो कि मार्च के अंदर रिलीज होने वाला है, वो है आपकी वन प्लस वॉच। में ऑलरेडी इसके ऊपर काफी द वीडियोस जो है बना चुका हूं, अपनी लेटेस्ट वीडियो को आप लोग जो है वो देख सकते हो, मैं जो है वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर मैंने कुछ स्केचेस के बारे में बताया था कि वन प्लस ने खुद ने ही अपने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर स्केचेस जो है वो लीक करे थे वन प्लस के। इसके अंदर आपको राउंड डायल जो है वो देखने को मिल रहा है, और वो सारी की सारी चीजें जो है वो लगातार करके सच होती जा रही है। काफी द रेंडर्स और लीक्स जो है आ चुके हैं वॉच के, सारे के सारे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, काफी सुंदर है, और मैं जो हूँ काफी एक्साइटेड हूँ उस वाली वॉच के लिए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने वन प्लस नाइन और वन प्लस नाइन प्रो के बारे में भी जो है वीडियोस बना रखे हैं, जिसके अंदर आपको हैसलब्लैड के कैमरे के साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि वन प्लस जो है वो काफी ज्यादा भयंकर वाले स्मार्टफोन्स बनाता है ऑलरेडी, और सारी की सारी चीजें जो है मतलब मस्त रहती है उसके अंदर। सारे सारे स्पेसिफिकेशन एक नंबर रहते हैं, रैम्स वगैरह एक नंबर रहती है, प्रोसेसर एक नंबर रहते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक नंबर रहता है, बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी शानदार होती है। लेकिन हमेशा एक चीज में वन प्लस पीछे रह जाता है और वो है कैमरा। वो कैमरास जो है वन प्लस के इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते कि वो फ्लैगशिप लेवल के कैमरास जैसे कि एप्पल और सैमसंग के साथ जो है मुकाबला कर सके। इसलिए जो है वन प्लस इस बार हैसलब्लैड के साथ जो है वो कोलैब कर रही है, और हैसलब्लैड जो है वो काफी ज्यादा टफ ब्रांड है कोलैब करने के लिए। तो वन प्लस को जो है काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ी होगी उनका नाम जो है अपने स्मार्टफोन से चिपकाने के लिए, बट अपेरेंटली रिजल्ट जो है अपने को तभी पता पड़ेंगे जब स्मार्टफोन जो है अपने हाथ में आएगा मार्च के अंदर। अभी फिलहाल के लिए यही थी मेरी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। भाइयों लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर सोनी का, भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाय शर्मा।